पांच बहनें ही एक दूसरे की ताकत है। पांच बहन और मेरी मम्मी, मेरे दादाजी, हम ही लोग जो है अभी आगे की जिंदगी गुजारेंगे। पापा नहीं है तो क्या हुआ, भाई नहीं है तो क्या हुआ, क्या हम बहनें साथ नहीं रह सकते हैं? साथ बहुत दूर तक चलेंगे और बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे, आई नो दैट, लेकिन कभी भी हार नहीं मानेंगे, कभी भी अपनी आंसू किसी को नहीं दिखाएंगे। और जरूरी नहीं है एक भाई हो तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो एक कमी तो महसूस होती है, पर कोई बात नहीं। एवरीवन, ज्योति ड्रीम शेयर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ ज्योति मौर्य और मैं आज आपको लेके आई हूँ मेरे मायके के किचन में, जो कि बहुत बड़ा है। आप एक छोटा सा बेड भी डाल के सो सकते हैं, इतना बड़ा है गाइस। और ये बहुत टाइम पहले से बना हुआ है, ये आज का बना हुआ नहीं है। तो मुझे ऐसे लगता है कि कम से कम हो गया रहेगा 20 साल तो हो ही गया रहेगा इसको बने। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और सुबह से मेरा चाय, मेरा नाश्ता सब कुछ हो चुका है, मेरे बच्चे भी खा पी चुके हैं। मेरी मम्मी जो है ना सुबह उठ के ही थोड़ा बहुत बना देती हैं खड़े खड़े, और फिर जो बाकी का काम रहता है फिर मैं वो करती हूँ। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा जल गई थी, लेकिन मेरी जो सेकंड नंबर वाली दीदी हैं वो यहीं पर रहती हैं, स्कूल में पढ़ाती हैं, तो वो जल्दी से आ गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत अच्छे से उनका देखभाल किया और फिर वो उनको ठीक हो गई हैं। और उसके बाद मेरी थर्ड नंबर वाली बहन आ गई थी, फिर उसने ध्यान दिया। अब मेरी बारी है, मैं आई हूँ, इसके बाद श्वेता आएगी, सब बारी बारी से आएंगे और मम्मी का ध्यान रखेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको मेरे मायके का टूर करा देती हूँ, किचन का टूर। बाकी दूसरा जो रहेगा तब जब मैं उसको क्लीन करूँगी फिर मैं आपको उसके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मैं आपको अपना मायका का जो किचन है वो दिखाती हूँ। और मैंने रखा है पानी गर्म होने के लिए, बहुत ज़्यादा ठंडी है, बीच में बारिश हो गई ना जिसकी वजह से ठंडी काफ़ी बढ़ गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर वीडियो में पहली बार आए होंगे तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरी जो YouTube फैमिली है वो 5000 होने वाली है अभी। तो चलिए देखते हैं किचन में क्या क्या बना है और कैसा है हमारा किचन। एंट्री लेंगे, यहाँ पे दो रूम है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे है ये बर्तन स्टैंड और यहाँ पे ऐसे स्टोरेज है दरवाजे के पीछे ऐसे। उसके बाद ये यहाँ पे रखा है, यहाँ पे गैस स्टोव है, यहाँ पे मम्मी ने चटनी बनाई है और यहाँ पे दाल, चावल और यहाँ आलू का पराठा और यहाँ पे पानी गर्म करके रख दी है। फिर चलते हैं यहाँ पर, यहाँ पर बेसिंग है, बेसिंग के बाद वहाँ पे सारा कुछ पानी वगैरह भर के रखा है और यहाँ पे मम्मी ने बच्चों के लिए दूध गर्म करके रखा है और यहाँ भी दूध है और यहाँ पे ये इंडक्शन और यहाँ पे है एक अलमारी, यहाँ पे मिक्सर रखा हुआ है, यहाँ पे एक छोटा सा फैन है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। बढ़ते हैं दूसरे रूम की तरफ। यहाँ पे है ये इन्वर्टर रूम और यहाँ पर है फ्रिज। मैंने ही इसे अभी कल ही साफ किया है, आप देख सकते हो फ्रिज। यहाँ पे है आटा का डिब्बा
अपना समरसेबल वाटर यहाँ पे जो भी कपड़े सूखते हैं तो मैं मिला के दरवाजे पे ही रख देती हूँ। और ये रहा बड़ा सा आंगन, वहाँ पे दो इंग्लिश और हिंदी बाथरूम और ये नहाने वाला, और यहाँ पे इतना सारा बर्तन, यहाँ पे कपड़ा वगैरह सुखाते हैं। यहाँ से बाहर जाने का, तो ये रहा कुछ इस तरीके का व्यू। यहाँ पे पत्रा है एक्चुअली। ये रहा ये किचन, ये रहा इन्वर्टर रूम, और ये रहा आंगन। यहाँ पे दो बाथरूम है, टॉयलेट है इंग्लिश और हिंदी, और यहाँ पे नहाने वाला है। यहाँ पे छोटा सा आंगन है बर्तन वगैरह धोने के लिए, और यहाँ से पीछे का रास्ता, यहाँ से सब खेत वगैरह है। यहाँ पे एक चूल्हा भी है। ऐसा नहीं है गांव में भी लोग शहर के जैसा ही बनवाते हैं, ये तो बहुत टाइम पहले का है इसलिए कुछ इस तरीके से है, नहीं तो बहुत अच्छे तरीके से आजकल लोग बनाने लगे हैं। और ये बहुत पहले का है तो जैसा भी है बहुत अच्छा है। ये लादी नहीं है, ये जो है ना टाइल्स है, टाइल्स के ऊपर बॉर्डर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो कैसा लगा हमारे मायके का किचन टूर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरी मम्मी सब बर्तन का शौकीन है, सब एक एक बर्तन जगह जगह से खरीद खरीद कर लाती हैं, हम लोगों से भी मंगवाती हैं जो भी उनको अच्छा लगता है। तो उनको किचन में सब सामान नया नया रखना उनको बहुत पसंद है, जैसे हम लोगों को बहुत पसंद है। तो वो एक एक चीज़ चुन चुन के सजाती हैं। अभी यहाँ पे ये वाला मिक्सर ख़रीदा है, नया वाला मिक्सर, ये भी बहुत अच्छा है। तो मेरी मम्मी ना उनको चीज़ों का बहुत शौक है, जो भी कुछ अच्छा देखती हैं मार्केट में ख़रीदती हैं। तो हम लोग भी सोचते हैं जाने तो उनको जो शौक़ है जैसा शौक़ है वो अपने तरीके से करें। गाइस इस तरीके से वो जली थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतना बेकार जली थी, लेकिन भगवान की कृपा से अभी वो एकदम ठीक है, एकदम आराम है। अभी मैं देखो कितना दिन तक यहाँ पर रहती हूँ, फिर मुझे जाना है मेरे ससुराल, वहाँ पर गेहूँ की कटाई होने वाली है तो घर का खाना वगैरह देखना पड़ेगा। तो मैं सोची कि मैं हूँ तो मेरी दीदी लोग नहीं हैं, जब मैं चली जाऊँगी फिर मेरी दीदी लोग आ जाएंगी। फिर मम्मी के साथ में ना कोई वन बाय वन रहता है ना तो मम्मी को भी थोड़ा अच्छा लगता है, दादाजी हैं मम्मी हैं बस दो ही जन हैं और कोई नहीं है, और मेरी दादी नहीं है तो अभी अच्छा नहीं लगता है। नहीं तो पहले बच्चों को देखती रहती थी, तो जैसे जो चला जाता है ना गाइस उसकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है घाव भर जाते हैं लोग भूल जाते हैं, लेकिन जो यहाँ से चला जाता है धरती से वो कभी वापस नहीं आता है, ना ही उसकी कमी कोई भी पर्सन उसकी कमी पूरी कर सकता है। तो माई और पापा और मेरे घर में मेरी एक बुआ थी छोटी वाली, वो तीन लोग मतलब तीन लोगों का देहांत हो चुका है। तो यही कुछ था आज की वीडियो में, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मेक श्योर मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज मैं पूजा को सुबह सुबह 7:30 बजे, मैं दीदी नहीं बोलती हूँ क्योंकि बहुत पहले से ही पूजा पूजा कहती थी तो इसलिए उनको दीदी नहीं बोलती हूँ मैं, लेकिन अब वो चली गई सुबह 7:30 बजे वाला जो बस आता है ना उससे गई, वो दांत का ट्रीटमेंट कराने वगैरह आई थी और मम्मी का देखभाल, तो अभी वो आज 7:30 बजे के बस से गई हैं, मैं गई थी छोड़ने। तो ऐसे टाइम पे ना ऐसे कोई रहता है तो ना बहुत कमी महसूस होती है कि आज कोई एक भाई होता तो मम्मी का और बहन लोग का कितना ज़्यादा केयर हो जाता। तो दादाजी बोल रहे थे चलो मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन उनको चक्कर बहुत आता है सर्वाइकल की वजह से, तो फिर इसलिए मैं गई और मैं बैठा बैठा के आई। तो थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि यार हम ही लोग रह गए थे, एक भाई तो होना चाहिए था ना, एक भाई तो हम लोग भी पांचों बहन डिज़र्व करते थे, लेकिन कोई बात नहीं होता है, हम बहनें ही भाई है, हम बहनें ही बहन है।
तो पापा की कमी तो होती ही है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा लगता है नहीं, एक भाई का होना बहुत ज़रूरी है। बहन के घर आते हैं जाते हैं तो वो सब एक अलग ही लेवल का वो रहता है एनर्जी। तो कोई बात नहीं, बहुत सारा बर्तन रखा है, मेरे बच्चे हैं नहीं तो मैं जाती हूँ फटाफट धुल लेती हूँ। और पानी गर्म करके रखा है, पानी गर्म करके रखा है, अब मैं फटाफट नहा भी लूँगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।